पुलिस ने पीड़ित परिवार को जबरन पुलिस की जीप में बैठाया। पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया डीएम और एसपी से मिलने के लिए। 5 महीने पहले हुई थी भाई की हत्या, ऐसा आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। अभी तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज की गई है और ना ही आरोपियों से कोई पूछताछ की गई है। ये भी आरोप पीड़ित परिवार का है। 5 महीने से लगातार पीड़ित परिवार थाने के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही और ना ही कार्रवाई की जा रही। जब वो एसपी और डीएम से मिलने के लिए आया तो भी उसको वहां से जबरन हटा दिया गया और थाने भेज दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है इलाके के दबंग अब उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद पुलिस सुनने को तैयार नहीं। पूरा मामला थाना तंबौर के कतरा रायपुर का है। हाँ, दयाल भाई को मार डाले हैं पुलो हरिशन और दिनेश और संजय धीरू मिलकर 4 लोग मारे हैं। और जब हम कहें तो रिपोर्ट करें तो यहाँ रिपोर्ट दर्ज नए थाने में यहाँ और वही लोग कहते हमारे दोबारा फिर मारा दूसरे का यहाँ और कानून है हमारे। कौन कहा थे? हरिशन और दिनेश और कहाँ रहते हैं? रहते हैं हमारे गांव में यहाँ। कौन नाम है गांव का? कतरा रायपुर।